हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के प्रति जागरूक करने प्रशासन उतरा सड़क पर, वाहन रैली निकाली, पैदल मार्च किया, पैम्पलेट बांटे, नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया। शहर में कोरोना के खिलाफ आमजन को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासनिक व पुलिस अमला सोमवार को सड़कों पर उतर पड़ा। शहर में धारा 144 लागू करने के बाद आज सुबह पुलिस कमिश्नर व जिला कलेक्टर ने आला अधिकारी के साथ नई सड़क से खांडा फलसा तक का दौरा कर लोगों को नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया। इस दौरान आम जिनको मास्क पहनने की अपील की और पैम्पलेट बांटकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने इस अवसर पर वाहन रैली भी निकाली। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर में कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धारा 144 लागू की है। इसको देखते हुए आम जन को जागरूक करने के लिए पुलिस दो दिन से अलग अलग स्थानों पर वाहन रैली निकाल रही है, वहीं रूट मार्च भी किया जा रहा है। सोमवार को जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी इस जागरूक अभियान में जुट गए। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह स्वयं आज आम जन को जागरूक करने के लिए पैदल मार्च में शामिल हुए। उन्होंने और पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव, डीसीपी पश्चिम आलोक श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों ने नई सड़क चौराहे से पैदल मार्च किया। उन्होंने आम जन को जागरूकता संबंधी पैम्पलेट बांटे। इसके साथ ही जोधपुर आयुक्त कार्यालय के जिला पूर्व तथा पश्चिम की एक संयुक्त वाहन एवं पैदल रैली का आयोजन खांडा फलसा तक किया गया। इस दौरान आमजन को मास्क पहनने की अपील की और पैम्पलेट बांटकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने आमजन को सलाह दी कि अति जरूरी होने पर ही घरों से निकलें। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।